नमस्कार, मैं साक्षी एम एस न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कोरबा, एटीएम कार्ड बंद होने का झांसा देकर डंपर ऑपरेटर के खाते से उड़ाई रकम। एसईसीएल का डंपर ऑपरेटर ठगी के झांसे में आ गया है। ठग ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर डंपर ऑपरेटर के खाते से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए 26,100 रुपए उड़ा दिए। पीड़ित द्वारा मामले की रिपोर्ट कुसमुंडा थाना में दर्ज कराई गई। जानकारी के अनुसार कुसमुंडा थाना अंतर्गत विकास नगर कॉलोनी के निवासी मोहम्मद ताजुद्दीन, जो एसईसीएल कुसमुंडा परियोजना में डंपर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, उनके मोबाइल पर फोन आया। मोबाइल धारक ने अपना परिचय बैंक अधिकारी के रूप में दिया। मोहम्मद ताजुद्दीन को उसने झांसा देते हुए कहा कि उसका बैंक खाता व एटीएम कार्ड बंद होने वाले है। अगर खाता व एटीएम कार्ड चालू रखना है तो उसे एटीएम कार्ड नंबर की जानकारी देने को कहा। ठग पर भरोसा करते हुए उसने एटीएम कार्ड का 16 डिजिट नंबर और मोबाइल में आया ओटीपी नंबर ठग को दे दिया, जिसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए 26,100 रुपए खाते से निकाले जाने की बात सामने आई। मामले में अज्ञात मोबाइल उपभोक्ता के खिलाफ पुलिस में धारा 420 के तहत अपराध कायम करते हुए उसकी खोजबीन प्रारंभ कर दी गई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।